फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल की दम बिरयानी। इसके लिए मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन और ये जो मसाले लिए हैं ये गरम मसाले लिए हैं मैंने। इसे अगर आप फ्रेश लेंगे और तो इससे जो बिरयानी का टेस्ट है और अरोमा दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून शाही जीरा, 8 लौंग ली हैं और 8 ही मैंने ये हरी इलायची ली हैं, 1 जावित्री का फूल लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 छोटा सा पीस लिया है मैंने ये जायफल का। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा पीस लिया है। अगर आप जायफल किसी भी चीज़ में ज़्यादा डाल देंगे तो जो उसकी ग्रेवी है उसमें कड़वापन आ जाता है। 2 ये काली इलायची ली है, बड़ी वाली इलायची जो है वो ली है मैंने, 1 स्टार एनिस, 1 सिनेमन स्टिक का पीस, ये 1 इंच से बड़ा है पीस, और 2 ये मैंने तेज़पात के पत्ते लिए मीडियम साइज़ के। तो ये जितने भी मसाले हैं पहले हम इसका पाउडर बना लेते हैं, उसके बाद जो बाकी के मसाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इनका पाउडर बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैंने मसाले बताए थे उन्हें मैंने पीस लिया है, अच्छे से पाउडर बना लिया है। अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये मसाला चिकन में ऐड कर देती हूँ, साथ ही में मैं आपको बाकी के मसाले बताती जाती हूँ। ये मैंने 1 कप दही लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप्ड हरी मिर्च है उन्हें लिया, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। 1 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने ब्राउन प्याज ली है, मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली और उन्हें ब्राउन कर लिया है, यह करीब 1 कप है। हरा धनिया और पुदीने के पत्ते 2 टेबल स्पून है ये। अब इन सब मसालों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी में जितने भी मसाले पड़ते हैं वो पीस के पड़ते हैं, उससे इसका जो खुशबू है और टेस्ट दोनों ही डबल हो जाता है। और साथ में जब खाते हैं तो खाते वक्त ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आते कि मुंह में आए, तो इसलिए ये सब पीस के पड़ते हैं, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इसका। इन सब मसालों को पहले मिक्स कर लेते हैं। आप देखें मैंने चिकन के जो पीसेस लिए हैं थोड़े बड़े बड़े लिए हैं, जब भी बिरयानी बनाए तो चिकन या मटन के पीसेस थोड़े बड़े ही लें। ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं करीब 1 टेबल स्पून तक लेमन जूस, इसे भी मिक्स कर लें। और साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तक देसी घी, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून तक ही ऐड करना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें चिकन में सब मसाले। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर के लिए मैरिनेट कर लें, जितना मैरिनेट कर लेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। इसे मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ, जब ये मैरिनेट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने 700 ग्राम चिकन के लिए 700 ग्राम राइस लिए हैं, इन्हें मैंने 40 मिनट के लिए भिगो दिया है। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप जब राइस को भिगोएं तो उसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लें, जो उसका स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए।
ये मैंने एक पॉट लिया है, इसमें मैं 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है, अगर आप चाहें तो कम कर लें। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा ऐसे सबको मिक्स कर लें। ये देखिए चिकन अच्छे से पकने लगा है। जब मैंने इसे मैरिनेट किया था तो इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था, इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, इसके जो पानी रिलीज होगा चिकन का उसी में ही कुक हो जाएगा। ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे मैं कवर कर दूंगी। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें और ये सब करीब 20 मिनट तक कुक कर लें, जब तक चिकन अच्छे से गल जाए। ये देखिए चिकन को पकते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। आप देखें ये अच्छे से पक गया है, मैंने बीच में एक बार खोल के इसे चलाया था, ये गल भी गया है। देखें ये बिल्कुल गल गया है, इसमें जो बोटी है इसकी हड्डी से अलग हो रही है, इसी तरह से होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी है, इसे हम थोड़ा भून देंगे हाई फ्लेम पे, थोड़ा सा और भूनना है इसे। ये देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, ये अच्छे से भून गया है, इसके ऊपर ऑयल आ गया। देखिए आप, बस हमें ऐसे ही रखना था, ये बिल्कुल तैयार है। अब जो राइस है उसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पॉट में पानी रख दिया पकने के लिए, ये राइस को पकाना है इसमें। इसमें सबसे पहले डाल देंगे नमक, नमक ज़्यादा डालें। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाला है, क्योंकि जब हम पानी निकाल देते हैं राइस से तो नमक कम हो जाता है, इसलिए नमक ज़्यादा रखें इसमें। अब इसमें डालेंगे एक सिनेमन स्टिक का पीस, 1 टीस्पून जीरा, सफ़ेद जीरा लिया मैंने ये, और 4 लौंग। इसे थोड़ी देर पका लेंगे और साथ ही में इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। ये देखिए पानी अच्छे से पकने लगा है, इसमें मैं 1 टेबल ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल ऐड करने से जो राइस है वो चिपकेंगे नहीं, पानी भी अच्छे से पकने लगा है, जो हमने राइस भिगोए थे उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने राइस ऐड कर दिए हैं, इसे थोड़ा चला दें, बस हल्के से चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं। और साथ ही में इसमें मैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही रोज़ वाटर डालेंगे इसमें, इससे इस राइस में बहुत अच्छी से खुशबू आ जाती है। हमें राइस को 75 से 80% तक कुक कर लेना है। देखिए राइस बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने 75% तक कुक कर लिया है, आप देखें। अब इसका जो है पानी निकाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल हो गए
इतना ही रखना था राइस को हमें। देखिए फ्रेंड्स, चिकन भी रेडी है, राइस भी तैयार है, तो अब जो बिरयानी है उसे अरेंज कर लेते हैं। जो मैंने ये चिकन बनाया था इसका जो ऑयल है थोड़ा सा नीचे डाल देते हैं इसमें, जिससे कि राइस चिपकेंगे नहीं। अब इसमें सबसे पहले राइस ऐड करेंगे। इस तरह से चिकन डाल देंगे। फिर इसके ऊपर राइस डालेंगे थोड़ा। मैंने ये दूध लिया था 4 टेबल स्पून, इसमें मैंने थोड़ा सा सैफ्रॉन डाला है, करीब 6 थ्रेड डाले हैं उसके सैफ्रॉन के, उसे थोड़ा सा डाल देंगे इसके, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इससे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। जैसे इसके हम चिकन डाल देंगे, जो बाकी बचा हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए जो बाकी के राइस थे इसे ऐड कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये दूध का सैफ्रॉन वाला, उसे डाल देंगे। आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर लें, हरा धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, थोड़ा सा घी डाल देंगे इसके ऊपर। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। करीब 1 टेबल स्पून तक घी डाल दें, बस ज्यादा नहीं, इसमें बहुत थोड़ा सा ये ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इससे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। जैसे मैंने पानी नहीं डाला ऐसे पाउडर डाल देंगे उसका, और इसे हम कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से। ये देखिए मैंने इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। अब इस पर लिड लगा देंगे, जिससे कि इसकी स्टीम बाहर नहीं आए, और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक दम पे रखेंगे। ये देखिए इसे मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया है 3 से 4 मिनट तक के लिए, जिससे कि इसके अंदर स्टीम बन जाए। उसके बाद इसे मैं स्लो फ्लेम पर रख दूंगी 15 मिनट के लिए, और इसके नीचे एक आयरन का तवा रख दूंगी, और इसे दम लगा लेंगे करीब 15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिरयानी को दम पर रखे हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल के देख लेती हूँ मैं। ये देखिए स्लो फ्लेम पर रखा था, बहुत ही अच्छे से बन गई है। आप देखें कितने अच्छे से, अभी मैं इसे चला नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर अभी चला दूंगी तो इसके राइस जो है बिल्कुल टूट जाएंगे। आप देखिए कितने लंबे लंबे राइस हो गए, अब बिल्कुल देखिए मैश हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसे मैं थोड़ी देर तक इसी तरह से रखकर रहने दूंगी करीब 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद मैं इसे आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। अगर आप अभी चला लेंगे तो राइस टूट जाएंगे, इसलिए मैं इसे 10 मिनट तक रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट की चिकन दम बिरयानी बिल्कुल तैयार है।
बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बार बार इसी बिरयानी को बनाने की फरमाइश होगी। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और देखते रहें मेरे चैनल को, साथ ही मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।